सभी को छठी जन्माष्टमी, आज जन्माष्टमी वाले दिन में लोग कुछ कर रही हूँ। आज सुबह मैं खाना बना रही हूँ, मैं तो व्रत में हूँ। हम तो वही सबके ये मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, काफ़ी ये मत समझिएगा कि मेरा ये दुख है, लेकिन फिर भी मेरा दुख नहीं है। भी लगाना है, बच्चे को भी रेडी करना है, पूजा सब करना है, भगवान के लिए भोग बनाना है। मैं बिल्कुल ठीक है, छोटे पाँच लंबी आ गई है, मैं भी लगाऊँगी, खुद से लगाऊँगी, लगाना नहीं आता फूल करता। मैं तो अभी आज के डे का ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, गाइज मैं अभी नहा धो के सो आ गई हूँ। अभी बज रहा है 11:30, और थोड़ा सिंपल सा पूजा कर ली हूँ भगवान का, और क्या कहते हैं वो तो रात में पूजा होगा कृष्णाष्टमी। और अभी मैंने सोच रही हूँ कि अब मैं बेटे को तैयार कर लूँ, राधा रानी उसको अभी बना दे तो फिर मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, मेरे को मेहंदी भी लगाना है। गाइज मेरी बेटी अभी सो के उठी है, और मैं अभी सिर्फ पानी और चाय पे हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि पूजा वूजा करने के बाद 10-11 जो भी टाइम लगेगा तभी मैं फलाहार करूँ, नहीं तो 12 बजे तक का इंतज़ार ही कर लूँगी गिरिजन कृष्ण जी का जन्म का। और मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, ज़ोर से बोलने की कोशिश करी, और मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कैसे मैं अपनी बेटी को रेडी कर रही हूँ। सुंदर से हाथ हाथ छुजा दिया, प्याल दिखा प्याल दिखा प्याल दिखा, मैं दिखा दूँ पीछे से इसका प्याल। गाइस मैंने इसके कान के पहना दिए हैं, नाक में पहना दिए हैं, कान के बाबू मुंह दिखा, चुंदन से तैयार हो गई है। गाइस मैंने अपनी बेटी को रेडी कर दिया, और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसकी मस्ती ख़त्म ही नहीं होता है। ये ना सर पे पल्लू रखती है, सर पे जैसे मैंने सोचा गहने वहने सर रखती ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। आप लोग बताइएगा मैंने कैसे रेडी किया अकेले उसको। देखिए कहाँ से कहाँ ये जा रही है, बेटू बेटू दिखाओ, बेटी दिखाओ। मैं पिन अप कर दिया था, अभी तो मैंने हटा दिया है, इसको खोलती है उसको। आई अभी अच्छे पीछे से देखो कितनी अच्छी लग रही है हमारी राधा रानी, थोड़ा सा उसको ढीला हो रहा है। हाँ राधा